रिलेशनशिप का सही मतलब क्या है? क्या वो सही मतलब है रिलेशनशिप का जो हम देखते हैं सुनते हैं? घुमाना, गिफ्ट देना, टाइम पास करना, सेक्स करना, यही सब होता है और कुछ नहीं? नहीं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही संबंध नहीं होता, सिर्फ इतना ही रिलेशनशिप नहीं होता। ये तो संबंध ही नहीं होता। कुछ निकम्मे लोग अपने टाइम को पास करने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। खुद के लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है तो चलो गर्लफ्रेंड बना लेते हैं या फिर बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, टाइम पास करते हैं और ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है। बस थोड़े से टाइम को इन्जॉय करने के लिए, थोड़े से टाइम को जीने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं और उस समय को ही, उस लम्हे को रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं। पर सच्चे रिलेशनशिप का मतलब सहारा देना होता है। एक ट्रू रिलेशनशिप में इमोशनली सपोर्ट करना होता है। कोई अगर किसी का अगर हौसला टूट जाए ना तो उसे कॉन्फिडेंस देना होता है, ना कि उसे छोड़ देना। एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करना होता है, एक दूसरे के करियर को प्रायोरिटी देना होता है। पता है जो लोग ट्रू रिलेशनशिप में होते हैं ना, वो सामने वाले पर्सन के करियर को, उसके उसके एम को प्रायोरिटी देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और सहायता करते हैं उसे हासिल करने में। और जो ऐसे दिखावे के रिलेशनशिप में होते हैं ना, वो थोड़े हक जमाते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे, बस दिखावा। पर हम जिससे प्यार करते हैं ना, हम कभी उसे दुख दे ही नहीं सकते, हम कभी उसे बांधने के बारे में नहीं सोच सकते। हम वही सोचते हैं ना कि मैं भी आगे बढ़ूँ और वो भी आगे बढ़े। जो लोग दिखावे का रिश्ता बनाते हैं ना, वो कभी अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं करते। बट सच्चे रिलेशनशिप में वही होता है जो इज्जत से होता है। सबसे पहले हम अगर उसे इज्जत ही ना कर पाए तो कैसा रिलेशनशिप। जब दिल से किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो आप खुद देखना, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसके साथ बांटने में लग जाओगे। कब उसके साथ शेयर करोगे, कितने वक्त में तुम उसके साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर करोगे, यही तुम सोचते हो, हड़बड़ाते हो, है ना, परवाह करते हो। कुछ सुनाई देना, कुछ खराब सुनाई देना तो टेंशन करते हो। और सबसे बड़ी बात एक रिलेशनशिप की जो खासियत है, वो है उसको खोने से डरते हो। ऐसा नहीं है कि तुम उसको बांध के रखना चाहते हो, बस एक डर रहता है अंदर ही अंदर कि कहीं उसे मैं खो ना दूँ। ये बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, ये थोड़ी सी पोजेसिवनेस होती है ना, ये बहुत नॉर्मल है और कॉमन भी, और ये बड़ा प्यारा भी होता है। जो लोग दिखावे के रिश्ता निभाते हैं ना, वो आपको दिन में 100 बार आई लव यू बोलेंगे, टेक्स्ट में, फ़ोन में, पता नहीं कितनी बार बोलेंगे। पता नहीं अपने माँ बाप को भी इतनी बार बोलते होंगे कि नहीं, जहाँ पे सचमुच बोलना चाहिए वो आपको ज़रूर बोलते हैं, वो आपको ज़रूर बोलते हैं। पर जो लोग ट्रू रिलेशनशिप में होते हैं दिल से, वो आपको बोलेंगे नहीं, जताएंगे, निभाएंगे। वो बोल के प्यार नहीं निभाते, जता के प्यार निभाते हैं। बहुत बार रिलेशनशिप में दूरियाँ आ जाती है, बहुत बार हम झगड़ा करते हैं, बहुत बार ईगो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर जब हम सच्चे रिलेशनशिप में होते हैं ना, जब हम इसको फील करते हैं ना, तो ईगो को साइड रख के हम उसे सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं वही कहा, हम खोने से डरते हैं। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हाँ हर रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो लड़ाइयाँ सुलझ भी जाती हैं, उलझती नहीं। हम इंसान हैं तो गलती तो हम ज़रूर करेंगे। दूसरे की गलती को माफ़ कर देना और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, ये ट्रू रिलेशनशिप में ही पॉसिबल है। धोखा देने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, पर फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर करना। एक साथ बहुत सारे सपने देखना और एक दिन उसी पार्टनर के साथ अपने सारे सपनों को जीना, यही तो होता है रिश्ता, यही तो होता है असली रिश्ता, अकॉर्डिंग टू मी। व्यूअर्स, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ देखा है। 5 साल की शादीशुदा लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। पर एक चीज़ समझा है कि अगर एक ट्रू पार्टनर आपके लाइफ में हो ना और आपका सपोर्टर हो, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बड़े आसानी से जीत सकते हो। और यही होता है असली रिलेशनशिप। और वो सिर्फ शादी से पहले हो ज़रूरी नहीं, बहुत बार वो शादी के बाद भी होता है। तो अगर तुम सच्चे रिलेशनशिप में हो ना, तो भर के जियो। थैंक यू।